दोस्तों, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वही पॉइंट है जहाँ पर महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी और यहीं पर उनकी हत्या कर दी गई थी गोली मार करके। और ये जो देख रहे हैं आप खड़ाऊ के निशान, इसी रास्ते से होकर के गुजरे थे वो। देखेंगे आप, ये है बिरला भवन, गांधी जी 144 दिन इसमें रहे थे। दोस्तों, जो गांधी जी ने धर्मों के बारे में कहा है आपको जरूर सुनना चाहिए, और जो उनके कुरान को लेकर व्यूज थे वो भी आपको सुनने चाहिए। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है नए ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों को दोस्तों दिखाने वाला हूँ गांधी स्मृति, गांधी मेमोरियल, और जो कि गांधी जी का जहाँ पर उनके नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी और जो उनका घर हुआ करता था वो आज मैं आज के इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और इसकी जो लोकेशन है वो है 30 जनवरी मार्ग, नेशनल डिफेंस कॉलेज के जस्ट सामने आपको देखने के लिए मिल जाएगा और नियर बाय मेट्रो स्टेशन पड़ेगा जनपद। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं और आज आप लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर गांधी जी को गोली मारी थी। और इससे पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था राजघाट जहाँ पर उनकी समाधि है। तो आइए दोस्तों, ये आप इसकी टाइमिंग देख सकते हैं, 10 बजे से 5:30 बजे तक ओपन होता है। और देख सकते हैं गेट नंबर 2 से हम एंट्री कर रहे हैं, सोमवार को ये बंद रहता है। तो दोस्तों, अब हम चल रहे हैं गांधी स्मृति में। और दोस्तों, इस गांधी स्मृति का नाम है बिरला भवन। तो अभी हम चल रहे हैं बिरला भवन की ओर, और इसमें देखने के लिए हमें 3 चीज़ें मिलेंगी। वो घर जहाँ पर गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 144 दिन गुजारे, और जिस रास्ते से वो जा रहे थे वहाँ पर जब उनको गोली लगी थी वो पॉइंट देखेंगे हम। साथ ही साथ जहाँ पर उनकी सभा जुड़ती थी, जहाँ पर वो प्रार्थना वगैरह करते थे, सत्संग करते थे मन की शांति के लिए, वो जगह हम देखेंगे। तो चलिए अभी चल रहे हैं अंदर, और ये देखेंगे आप, ये है बिरला भवन, और अभी इसके अंदर चल रहे हैं जिसमें कि लिखा हुआ है बाहर कि गांधी जी 144 दिन इसमें रहे थे। और बताया जाता है कि जो सरदार पटेल से उनकी जो आखिरी मीटिंग हुई थी 4 से 5 बजे के बीच में, वो इसी घर में हुई थी। और ये जो जगह देख रहे हैं वो यहाँ पर बैठे थे, और यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड, बोलना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं बाद में डब कर रहा हूँ। और दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप ये उनका सामान है, और जो आखिरी मीटिंग थी उनकी सरदार पटेल के साथ थी इस जगह, इस भवन के अंदर। और दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप, ये वाइट कलर का घर है उनका, और बताया जाता है कि गांधी जी को सफ़ेद रंग बहुत पसंद था क्योंकि ये आँखों की ठंडक है और सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, और इस्लाम धर्म में भी सफ़ेद रंग को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। तो दोस्तों, इसके अंदर आप डिजिटली बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं और जान सकते हैं गांधी जी के बारे में, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है गांधी जी के बारे में और उस टाइम पर क्या हुआ था। इसमें एक फिल्म के द्वारा आपको दिखाया जाता है, करना अलाउड नहीं है इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। बाकी ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारे गांधी जी की मूर्ति है, और अभी जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये गांधी जी हैं और ये उनकी वाइफ हैं जो कि चरखा रखा हुआ है आप देख रहे हैं। और दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को एक ऐसी गैलरी में लेकर जाने वाला हूँ जिसमें कि आपको छोटे छोटे एक आर्ट में इस तरीके से चीज़ें बताई गई हैं, डिस्क्राइब की गई हैं, जो कि देखने लायक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और उससे आप जलियांवाला बाग के बारे में भी जान सकते हैं। मैं जो अब आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो दृश्य ये है कि जो विदेशी कपड़ों को बहिष्कार किया गया था वो ये देखिए, होलिका में जला दिया गया था विदेशी कपड़ों को। ये दांडी कूच का आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, नमक का काला कानून भंग किया गया था उस टाइम का दृश्य, काफ़ी इंटरेस्टिंग। खादी और जो गांव का जो एक इंडस्ट्रीज थी वो देख सकते हैं आप किस तरीके में बनाए जाते थे। ये लंदन के शहनशाह से मुलाकात गांधी जी की, और इसके अंदर आप देखेंगे कि गांधी जी जब गोली मारी थी तो किस तरीके से वो किन किन लोगों के हाथों में गिरे थे, तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जान सकते हैं। तो दोस्तों, सारी चीज़ें डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं है इसलिए मैं आपको फास्टली दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसके अंदर एक डिजिटली बना दिया है म्यूज़ियम जिसमें कि आप सुन पाएंगे, और बहुत ही अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें भी इसके अंदर हैं, बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये कुछ फ़ोटो मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ जो कि आपको इस म्यूज़ियम के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, अब हम चल रहे हैं अपने सेकेंड पॉइंट पर जहाँ पर गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, और बताया जाता है कि 30 जनवरी 1948 को 5:17 पर हमने एक ऐसी पर्सनालिटी को खो दिया था जो कि बहुत ही महान थे। और ये जो देख रहे हैं आप खड़ाऊ के निशान, इसी रास्ते से होकर के गुजरे थे वो।
क्योंकि दोस्तों वो जाते थे दूसरे रास्ते से, लेकिन उस टाइम पे वो लेट हो रहे थे इसीलिए वो इस रास्ते से गए थे। तो लेकिन अब वो जो होना था उसको कौन टाल सकता है, तो इसी रास्ते से निकल के जा रहे थे। तो जब ये देख रहे हैं आप उनके खड़ाऊं के निशान हैं, तो वो चलते गए इसी रास्ते से। यहाँ पे आप जूते पहन करके नहीं जा सकते, क्योंकि बताया जाता है कि ये एक तीर्थ स्थल है, और तीर्थ स्थल का मतलब होता है जहाँ पर पूजा वगैरह की जाती हो, इसलिए हम इस पे जूते चप्पल पहनकर नहीं चढ़ सकते। दोस्तों मैं आप लोगों को वो जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ पर महात्मा गांधी जी की गोली मारी गई थी, और ये जो देख रहे हैं आप ये पूरी उनकी यहीं पे शांति की जो सभा थी वो जुड़ती थी। दोस्तों ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वही पॉइंट है जहाँ पर महात्मा गांधी जी को नाथुराम गोडसे ने गोली मारी थी, और यहीं पर उनकी हत्या कर दी गई थी गोली मार करके, और आखिरी समय वो यहीं पर यहाँ तक आए थे। यही वो पॉइंट है जहाँ पर मेन जहाँ गोली लगी थी और वो गिर गए थे। और अभी फ़िलहाल मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये उनकी शांति सभा थी जहाँ पर वो अपना सत्संग करते थे, और जिसका आप ये पूरा व्यू देख सकते हैं। ये जो देख रहे हैं आप पूरा ग्राउंड, यहाँ पर उनकी सभा लगती थी, यहाँ पे सत्संग हुआ करता था, और जो उसके बैक साइड में उस रास्ते से गांधी जी आया करते थे। और दोस्तों उन्होंने अपने मरने से पहले एक कोटेशन दिया था जिसमें लिखा था कि यदि मैं मर भी जाऊँगा तो मेरे शरीर भी राम और रहीम में कभी भी भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि यह एक ईश्वर है और हम सबको इसे मानना चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ है, आप कोई भी रिलीजन मानते हो तो वो कभी भी नहीं आपको कहेगा कि किसी को आप ठेस पहुंचाओ या दुख पहुंचाओ, तो सभी का धर्म शांति ही सिखाता है। तो ये देखेंगे आप कि 30 जनवरी 1948 को हमने एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी को खो दिया था जिनका नाम था महात्मा गांधी जी। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में मैंने आप लोगों को जगह दिखाई जहाँ पर नाथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी, और ये बिड़ला हाउस कहलाता है दिल्ली का, गांधी स्मृति, और दोस्तों और ये बिड़ला हाउस कहलाता है दिल्ली का। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को गांधी जी के बारे में और भी कुछ जानने का मौका मिला होगा। पिछले लास्ट 3 ब्लॉग में मैंने गांधी जी के बारे में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे आ रही होंगी, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। Yeah.